किसी को गिराने के लिए, किसी को फ्लॉप करने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। खेसारी लाल यादव का फिल्म आया जिसका नाम है दुल्हनिया लंदन से लाएंगे। लगभग आज बहुत सारे सिनेमा घर में इसको रिलीज किया गया है, और बात भीड़ की किया जाए तो लगभग एवरेज बिलो इस फिल्म को देखा जा रहा है, तो सिनेमा घर में भीड़ नहीं लग रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है। आप सबको पता होगा कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के जो स्टोरी राइटर हैं, उनका नाम है रजनीश मिश्रा। वही रजनीश मिश्रा है जो खेसारी लाल यादव के साथ में बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मेहंदी लगा के रखना। फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 भी लाए, बट अभी जो हालात है खेसारी के और रजनीश मिश्रा के रिश्ते के बीच बहुत बड़ा फर्क है। और इस फिल्म को जो पैसा लगाए इस फिल्म में, प्रोड्यूसर जो है उनका नाम है अभय सिन्हा और प्रशांत जम्मू वाला भैया, इतनी बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं खेसारी से कि भैया खेसारी को फ्लॉप करने के लिए करोड़ों रुपया भी फेंका जा रहा है। इस फिल्म को रिलीज करने से पहले खेसारी को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है। फिल्म आज रिलीज पे था, कल खेसारी को 5 बजे शाम को बताया जा रहा है कि हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं आपकी जिसका नाम है दुल्हनिया लंदन से लाएंगे। तो पहले एक बात बता देते हैं, भोजपुरी में लोग आके भाषण देते हैं कि भोजपुरी फिल्म नहीं चलती है, भोजपुरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो एक बात बताते हैं, आपको फिल्म बनाने से ही मतलब है, आपको पैसा कमाने से मतलब है, बाकी प्रचार प्रसार ऐड जो है किया जाता है तब फिल्म चलता है। जब आदमी को पता ही नहीं है फिल्म हॉल में कौन सा फिल्म आ रहा है, तब ना देखने जाएंगे फिल्म हॉल में, तब ना तो फिल्म सुपरहिट कायम करेगी, तब ना एक रिकॉर्ड बनाएगी। आप लोग सिर्फ फिल्म बनाते हो, और फिल्म बना के कभी भी 12 बजे रात को रिलीज किया जाए, कभी 2 दिन के बाद रिलीज किया जाए। जब फिल्म रिलीज किया जाता है तो 1 महीने से पहले से उसको रिलीज किया जाता है, उसके बाद में उसको ऐड में डाला जाता है। बॉलीवुड की फिल्म देख लो, साउथ की फिल्म देख लो, 1-2 महीने के अंदर मतलब उस पर पूरा ऐड पे पैसा खर्चा किया जाता है, उसको प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन भोजपुरी मूवी जब भी बनती है तो उसको सिर्फ ऐसा कमाने के मकसद से फिल्म बनाया जाता है, तो शायद इसीलिए फिल्म नहीं चलती है। ये है राजनीति जो है रजनीश मिश्रा और अभय सिन्हा जो है खेसारी को फ्लॉप करने के लिए किस बात का दुश्मनी निभा रहे हैं मुझे नहीं पता है। वह दूसरी बात, यादव राज हर एक 5-5 मिनट में पोस्ट कर रहे हैं कि मेरा इस मूवी में गाना है मेरा नाम नहीं है, इस मूवी में गाना है मेरा नाम नहीं है। जब खेसारी को खुद नहीं पता है कि फिल्म कब रिलीज किया जाएगा, तो आपका नाम डाले या ना डाले वो तो खेसारी का गलती नहीं है, वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का गलती है भाई। पैसा आपको खेसारी लाल यादव दिए हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिए हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप बात करिए, ना कि खेसारी लाल यादव को टारगेट करके खेसारी लाल यादव इस फिल्म में मेरा नाम ही नहीं लिया है, मेरा गाना मैं दिया हूँ मेरा नाम उसमें डाले ही नहीं है। डालें यूट्यूब के जाके 4 सेक्शन में देखो, ट्रेलर में कहीं लिखा है आपका गीतकार हमारे जो गाना लिखे उनका नाम है यादव राज, और आपका हर एक दफ़ा ये लफड़ा होता कि आप ना आपके नाम हमेशा उड़ा दिया जाता, आपसे क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी अगर देखा जा रहा है इस फिल्म को, अगर आज एवरेज बिलो अगर कमाई देखा जाए तो अच्छी खासी इनकम नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है शादी हो तो ऐसी फिल्म आई थी, वो भी फिल्म हॉल में चल रही, तो वो फिल्म उतर नहीं पाई, उससे पहले जो है दूसरा फिल्म रिलीज कर दिए कि दोनों फिल्म हम लोग फ्लॉप कर देंगे, राजनीति खेल के जो है फिल्म को फ्लॉप करने की इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। और भी भोजपुरी में मुझे नहीं पता था कि लोग इतने गिर सकते हैं किसी को गिराने के लिए। ये एग्जैक्ट एक एब्सोल्युटली अच्छी बात है कि मतलब आप लोग इतना पीछे पड़ जाओ कि किसी को सुपरस्टार से एकदम फ्लॉप स्टार बनाने पे लगे हो, तो कोई भाई फ्लॉप स्टार किसी को बनाने से नहीं हो सकता है। जब एक हीरो की फिल्म नहीं चलेगी तो दूसरे हीरो की फिल्म नहीं देखने जाएंगे लोग, कहेंगे भैया जब ये फिल्म अच्छी नहीं है तो वो भी फिल्म अच्छी नहीं होगी, वो इस फिल्म को लोग प्रचार प्रसार में नहीं खर्चा कर रहे हैं तो भैया वो फिल्म देखने से अच्छा है कि हम फिल्म देखने ही ना जाए। हमारी भोजपुरी को आज इतना निस्तर गिराया गया तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का गलती है यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है। और फिल्म बाकी देखने की बात की जाए तो लगभग बहुत से सिनेमाघर में लगभग 30-35 सिनेमाघर मिला है इसको, और एवरेज बिलो कमाई देखा जाए तो मुझे लग रहा है 20-25 लाख रुपया कमाई होगा फर्स्ट डे में, उतना भी नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्लॉप करने पे चक्कर में लगे हैं, अपना ही पैसा डुबाने में लगे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है।